बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। हमारे यहाँ एक्ने एक बहुत ही बड़ा मसला है। अगर ये एक दफ़ा फेस पर आ जाए तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, जिसकी वजह से जो स्किन है वो बहुत ही बदनुमा लगती है। और अगर एक्ने ख़त्म हो भी जाए तो एक्ने स्पॉट्स बाकी रह जाते हैं, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक चेहरे पर धरना जमाए बैठे रहते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी बेस्ट रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जिससे ना सिर्फ आपकी एक्ने ख़त्म होगी बल्कि इसके इस्तेमाल से मज़ीद एक्ने बनने से भी रुक जाएगी। तो इसके इस्तेमाल के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है फिटकड़ी। फिटकड़ी आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईजीली मिल जाएगी। ये इस तरह से मिलती है, आप लोग इस तरह से भी ले सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर पाउडर फॉर्म में ना मिले तो आप इस तरह से लेकर ग्राइंडर में इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है, उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। फटकड़ी फेस पे बनने वाले इजाफी ऑयल को भी कंट्रोल करती है, इसके साथ साथ ये हमारी जो स्किन है उसको ग्लो भी देती है और ब्राइट भी करती है। एक्ने वाली स्किन के लिए तो ये एक जादुई काम देती है। अगर आप लोग इसे सिंपल में यूज़ करना चाहें तो आप लोग इसे पानी, सिंपल पानी में जो डिप करके इसका एक पीस लेकर अपने जो है फेस पे इसकी रबिंग करें और अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश कर लें। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका एक अच्छा सा स्क्रब बनाएंगे, तो जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फटकड़ी, हम लेंगे उसमें हाफ चम्मच। नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे लेमन, लेमन जूस हम लोगों ने इसमें हाफ चम्मच ही यूज़ करना है। लेमन भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि हमारे स्किन कलर को लाइट भी करता है, जो एक्ने स्पॉट्स हैं उनको भी रिमूव करता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको बनाने के बाद आप लोगों ने अपने फेस पे इसकी नरम हाथों के साथ स्क्रबिंग करनी है। इस स्क्रबिंग से जो आपके अगर फेस पे ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, ये इनको भी रिमूव करेगा और आपकी जो फेस से डेड स्किन को रिमूव करेगा, डलनेस को भी ख़त्म करके आपकी जो स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग भी बना देगा। 3 से 4 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट तक आपने इसे रेस्ट देनी है। उसके बाद दोबारा से आपने 1-2 मिनट की इसकी स्क्रबिंग करके अपने आप स्क्रबिंग करने के बाद आप लोगों ने सिंपल वाटर से इसको जो है वॉश कर देना है। इसे वॉश करने के बाद हम लोग इसके लिए दूसरा बनाएंगे हम लोग ये फेस पैक। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी कुछ सेकंड ही इसे इस्तेमाल किया है और आप लोग मेरे दोनों हैंड्स में इसका डिफरेंस देख सकते हैं, कितना बेस्ट इसका जो है रिज़ल्ट है। नेक्स्ट हम लोग जो फेस पैक बनाएंगे उसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे वो है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग लेंगे इसमें फटकड़ी और सेकंड नंबर पे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के आप लोगों ने चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड करने, क्योंकि हमने स्क्रबिंग में जो हमने की है उसमें भी हमने लेमन यूज़ किया है। और लास्ट में हम लोगों ने इसमें यूज़ करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी जो स्किन को वो बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करती है और हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती। इस फेस पैक को यूज़ करने से जिन लोगों को जो है रिंकल्स का प्रॉब्लम है, जिनके बहुत ज़्यादा जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फेस पर, वो भी सॉल्व होगा और इससे जो है स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी होगी, ग्लो भी होगी और इंशाल्लाह इसके यूज़ से आपकी स्किन के जो तमाम मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने फेस पे लगाना है। 15 से 20 मिनट तक आप लोगों ने इसे अपने जो है फेस पे लगा रहने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों ने नॉर्मल पानी से अपने जो है फेस को वॉश कर लेना है और इस फेस पैक को आप लोगों ने वीक में 2 से 3 मरतबा लाजमी यूज़ करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो दोनों हैंड्स में कितना डिफरेंस है हो गया है चंद सेकंड के यूज़ से। अगर आप लोग इसे मुकम्मल टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।